हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 234 क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁸ ohm। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? देखिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन अटैच है कि how much does the resistance change if the diameter is doubled? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक वायर है और इसका क्या दिया हुआ है, ये रेजिस्टिविटी। सो वी हैव रेजिस्टिविटी रो मीन्स 1.6 × 10⁻¹⁸ ohm। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम? आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 ओम। डायमीटर देखिए क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 0.5 mm। और देखिए सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्योंकि SI यूनिट में कन्वर्ट करना पहला वर्क हो गया। तो 0.5 × 10⁻³ meter, ऐसा इसलिए कि 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ meter होता है। ठीक है, तो ये तो रहा। अच्छा, इस पॉइंट को जब कैंसिल करेंगे तो नीचे 10 मिलेगा, दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ meter। और जब R निकालेंगे तो ये d/2 होता है, मीन्स 5 × 10⁻⁴/2 meter हो जाएगा। तो फाइंड करना है क्या, L क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इसका मतलब ये हुआ कि L इज इक्वल टू R × A/rho। A मीन्स एरिया क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो जाएगा, πr² R × π × r² / rho। देखिए R कितना था, 10, पाई का वैल्यू 22/7 होता है या फिर 3.14 डाल सकते हैं। R दैट मीन्स रेडियस, देखिए यहां से निकाले थे हम लोग 5 × 10⁻⁴/2, और ये स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर देना होगा, बाई रो का वैल्यू क्या हो गया। देखिए रो का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 1.6 × 10⁻¹। इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करते हैं तो 10 × 3.14, ये 5² 25, और ये हो जाएगा 10⁻¹ बाई ये देखिए 1.6 × 10⁻¹ और 2² 4। देखिए कुछ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कि 10⁻¹ है वो 10⁻¹ से इस तरह से कैंसिल हो गया। और ध्यान दीजिएगा तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 मिल जाएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 मिल जाएगा। इस तरह से अब ये एक जीरो इस जीरो के साथ और ये एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, थोड़ा देख लेते हैं, 314 × 25/16 × 4। तो ऐसा हो सकता है कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 157 हो गया और आगे कैंसिल होने वाला नहीं है। तो नीचे तो 32 हो गया, ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 को 25 से, तो 5 × 7 = 35, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, सॉरी, फिर ये
2 7 to 14, फिर 1 और फिर 3, मीन्स 5 2 9 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 9 2 5। अब इस 3 9 2 5 को हमें डिवाइड करना होगा, 3 9 2 5 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये 7 2 होगा, 2 टाइम्स करेंगे और यस तो 64 होगा, 8 5 हो गया। फिर से करते हैं 64 1 2, डेसिमल डालेंगे, सॉरी डेसिमल यहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे 0। अब 7 टाइम्स तो नहीं लेकिन 6 टाइम यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में 122.6 मीटर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ वायर। पार्ट में क्या है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर को डबल कर दे रहे हैं तो फिर न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। यस, तो करते क्या है, लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो क्या हो गया रेजिस्टिविटी, A क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसमें R, चलिए डी क्या होता है बता देते हैं, डी मीन्स हो गया डायमीटर, जो वायर का जो डायमीटर है उसका बात करें हम लोग। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, और ध्यान दीजिएगा तो पाई आर के जगह पे डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पाई डी स्क्वायर बाई फोर हो गया, मीन्स ए के जगह पे हम लोग पाई डी स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं। ओके, डी पे इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि यहाँ पे डी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसके डायमीटर को ट्वाइस कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए, सो R इज इक्वल टू रो इंटू एल, और A के जगह पे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, और 4 को ऊपर ले गए, तो यहाँ से यदि हम रो का वैल्यू निकालेंगे तो R इंटू पाई डी स्क्वायर by 4L, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। चलिए इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, when diameter is doubled, डायमीटर को क्या करते हैं डबल कर लेते हैं, तो d dash is equal to क्या हो गया 2d। अच्छा अब लेंथ तो वही रहेगा, l dash is equal to न्यू लेंथ, क्या लेंथ में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मटेरियल तो वही है, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आर एस जो है वो हो गया न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस आर एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, तो एल डैश ले लेंगे और यहाँ पे ए डैश ले लेंगे, तो ए डैश में मेरा क्या हो जाएगा, रो इंटू एल डैश, देखिए ए पाई डी स्क्वायर बाई फोर, तो यहां पे मेरा क्या चेंज हो रहा है, यहां पे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ये फोर ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स रो इंटू एल डैश इंटू फोर बाई पाई इंटू डी स्क्वायर, तो ये आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, अब देखिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, रो का वैल्यू क्या है, देखिए यहां से रो का वैल्यू यहां से निकाले हैं, आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर एल, एल डैश का वैल्यू एल इंटू फोर,
और डी स्क्वायर दैट मीन्स ये डी डैश का स्क्वायर है, सो सॉरी डी डैश लिया है यहाँ पे, तो डी डैश हो गया 2D, तो ये हो जाएगा 2D का स्क्वायर। अच्छा तो ध्यान दीजिए, ये एल से एल कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, R इंटू, देखिए यहाँ पे नीचे पाई भी नहीं दी हम लोग, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया डी स्क्वायर बाई 4D स्क्वायर, देखिए डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, R बचा है, R है 10, ये देखिए 10 ओम पहले से दिया हुआ है, मीन्स ये हो जाएगा 2.5 ओम, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 2.5 ओम।